आयोजन आपका, व्यवस्था हमारी, संतुष्ट रहे आप, जिम्मेदारी है हमारी। जी हाँ, आपकी गरिमा का विशेष ध्यान रखते हुए अब हर बजट में हम आपको लग्जरियस देने का वादा करते हैं। विवाह समारोह हो या कोई भी मांगलिक आयोजन, समस्त व्यवस्थाएं अब एक ही छत के नीचे। हमारे परिसर हैं वृंदावन गार्डन, शुभ परिसर, लक्की गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, अमृत परिसर, गंगराड़े धर्मशाला, नार्मदी धर्मशाला और बापू गार्डन। संचालक रितेश कपूर और श्याम कपूर। मोबाइल नंबर 9827370996 और 9424816206। एक फोन आप हमें करें, हम वादा करते हैं आपको दूसरा फोन कहीं नहीं करना होगा। और मुन्ना, मैं याद से तेरे को अगले महीने रुपया भेज दी हूँ, फिक्र न करना। अच्छा 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 अच्छा। और चिट्ठी जरूर डाल देना। तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर डालूंगा। अच्छा अच्छा। नहीं दादा, तुम मत दौड़ो। अच्छा अच्छा। नमस्ते। अच्छा नमस्ते। और साहिर माँ कौन? कहाँ है रे गंगा? अरे बड़ी आफत आ गई है बेटा, कुछ सुन, हरिराम थाने से अपने बाप को बुला रहा है। अरे पुलिस दरोगा सबाई के तहकीकात कर रहे हैं। अरे काय की तहकीकात लाला? अरे वो हरामखोर का नाम चोरी में लिखा दी से मास्टर। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे क्या हुआ लाला, बताओ तो। अरे होना का है, तुम आओ चाचा मेरे साथ, जरा मेरे सामने तो बात। भारतीय सिनेमा जगत के प्रतिष्ठित कलाकार दिलीप कुमार के निधन से पूरा देश शोकाकुल है। दिलीप कुमार का खंडवा से भी एक स्पेशल रिश्ता रहा है, खासकर खंडवा के शर्मा परिवार से। बात 1958 की है, जब गंगा जमुना फिल्म की शूटिंग खंडवा और इंदौर के बीच बलवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास घने जंगलों में हुई थी। इस शूटिंग के दौरान बलवाड़ा स्टेशन के स्टेशन मास्टर आनंदीलाल शर्मा थे। स्टेशन मास्टर रहते हुए आनंदीलाल शर्मा ने न केवल उन्हें पूरी सुविधा मुहैया करवाई, बल्कि दिलीप कुमार 4 महीने आनंदीलाल शर्मा के साथ ही उनके मकान में रहे थे। क्योंकि जंगलों के बीच बसे इस लोकेशन में रहने की कोई सुविधा नहीं थी, ना ही कोई आसपास गांव बसा हुआ था। दिलीप कुमार तो फिल्म शूटिंग करके चले गए, लेकिन आनंदीलाल शर्मा के साथ उनका रिश्ता उनकी मृत्यु तक रहा। आज आनंदीलाल शर्मा तो नहीं है, लेकिन दिलीप कुमार की यादें हमेशा इस परिवार में गूंजती रही है। दिलीप कुमार की मशहूर फिल्म गंगा जमुना 1958 में बनी थी। इस फिल्म का कुछ भाग खंडवा और इंदौर के बीच मुक्तयारा बलवाड़ा स्टेशन के आसपास जंगलों में फिल्माया गया था। यह स्टेशन घने जंगलों के बीच आज भी कायम है, यहाँ रहने की कोई सुविधा नहीं थी। ऐसे में रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर आनंदीलाल शर्मा ने फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें सारी सुविधाएं तो मुहैया कराई ही, दिलीप कुमार को रहने के लिए अपने मकान में मेहमान भी बना लिया। इस फिल्म की शूटिंग लगभग 2 महीने चली, पूरे समय दिलीप कुमार साहब आनंदीलाल शर्मा के साथ ही रहे। खास बात यह रही कि दिलीप कुमार मांसाहारी थे और आनंदीलाल शर्मा शाकाहारी। शर्मा के आग्रह पर दिलीप कुमार ने इस दौरान मांसाहार को त्याग दिया और शाकाहारी बनकर साथ रहे। आनंदीलाल शर्मा के बेटे सुशील शर्मा ने बताया कि फिल्म की शूटिंग होने के बाद जब इनकी फिल्म प्रोसेसिंग होने के लिए लंदन गई, तब लाइट पड़ जाने से पूरी फिल्म खराब हो गई। लगभग 1 साल बाद इस फिल्म की शूटिंग दोबारा इसी स्थान पर करनी पड़ी। उस समय भी पूरी यूनिट दिलीप कुमार साहब के साथ इसी स्थान पर आई। इस दौरान फिर 2 महीने तक दिलीप कुमार स्टेशन मास्टर आनंदीलाल शर्मा के मेहमान बने। इस तरह 4 महीने तक स्टेशन मास्टर आनंदीलाल शर्मा और दिलीप कुमार के बीच गहरा दोस्ताना रिश्ता कायम हो गया, जो लंबे समय तक चला। आज भी शर्मा जी मुंबई जाते थे, तब दिलीप कुमार साहब से उनकी गहरी मुलाकात होती थी। दिलीप कुमार और आनंदीलाल शर्मा का यह रिश्ता 1994 में शर्मा जी की मृत्यु तक चला। दिलीप कुमार साहब ने साथ उनकी यादें आज भी शर्मा परिवार में गूंजती रहती है। दिलीप कुमार के निधन के बाद शर्मा परिवार भी शोकाकुल है। सुबह मुझे खबर मिली कि दिलीप साहब आज नहीं रहे। वो उनसे मेरे पिताजी का बहुत अच्छे संबंध रहे। मुक्तारा बलवाड़ा स्टेशन पर जब पहुँचे तो उनको वहाँ की लोकेशन अच्छी लगी, और फिर उन्होंने पिताजी चूँकि वहाँ पे स्टेशन मास्टर थे, उनसे बात की कि आपका कॉपरेशन अगर हमें मिलेगा तो हम यहाँ गंगा जमुना फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं। तो पिताजी ने पूरे कॉपरेशन का वादा किया उनसे, और वहाँ पर फिर उन्होंने 2 महीने रह के
और पूरी पिक्चर की शूटिंग की और बिल्कुल घर जैसा उनका बन गया था। हालांकि मतलब वो नॉनवेज थे पर पिताजी पूरी तरह वेजिटेरियन थे। पिताजी ने कहा कि मेरे परिसर में तो नॉनवेज नहीं चलेगा, तो उन्होंने 2 महीने तक नॉनवेज का बिल्कुल त्याग कर दिया। के बाद पूरी फिल्म की शूटिंग हुई। लंदन जब फिल्म धुलने के लिए गई तो वहाँ उसको लाइट लग गया और पूरी फिल्म ख़राब हो गई। फिर उनका पिताजी के पास में लेटर आया कि पूरी फिल्म ख़राब हो चुकी है बाबूजी, अब फिर से शूटिंग करना पड़ेगी। तो बाबूजी ने कहा मैं यहीं हूँ अभी और आप फिर से आ जाइए, मैं सारी व्यवस्था फिर करवा दूँगा। तो फिर उनको सौभाग्य से 2 महीने और साथ रहने का मौका मिला और उस पीरियड में उनके इतने अच्छे संबंध बन गए थे कि फिल्म की शूटिंग के बाद भी, पिताजी का देहांत 1994 में हुआ, तब तक उनके संबंध बराबर बने रहे। आज जो खबर आई उससे बड़ा हार्दिक दुख हुआ।